हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हमारे चैनल में आने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनको इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर मेरे चैनल में जितने भी आर्ट लवर्स हैं वो उन्हें डेफिनेटली फॉलो करते होंगे। एंड अगर आप नहीं करते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वो अपने चैनल में बहुत ही सुंदर सुंदर सा होम डेकोर एंड डीआईवाई कंटेंट शेयर करते हैं। तो चलिए बिजी बी यानी खुशबू को हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सृष्टि मुझे अपने इस चैनल में इन्वाइट करने के लिए। वेल, आपने मुझे इन्वाइट किया नहीं है, मैं खुद ही आ गई हूँ। वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ खुशबू एंड मैं अपने चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं DIYs। दो यहां दो मेरे चैनल में जोक्स अपार्ट, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तोरण बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक रेडीमेड लेस। आप चाहें तो किसी पुरानी साड़ी या दुपट्टे से भी इस टाइप की लेसेस निकाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं लोकल मार्केट से इतना लेस लेकर के आई हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है ये एक फैब्रिक, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, बट हमें ये बुकेज वगैरह में मिलता है, इसी में आपको फ्लावर्स कितनी बार रैप करके वो देते हैं, तो मुझे भी मिला था तो उसे ही मैंने यहाँ पर रीयूज़ किया है। तो सबसे पहले जो भी शेप एंड साइज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए एंड उस शेप को आप यहाँ पे कट कर लीजिए। तो पैटर्न मैंने कट कर लिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये फैब्रिक है काफ़ी थिन है, तो इसे थोड़ा थिक करने के लिए मैंने दो दो फैब्रिक्स आपस में स्टिक किए हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं जिससे ये स्टिक हो जाए। बस मैंने यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। तो हमारे लीव्स रेडी हैं, अब इन्हें थोड़ा सा हमें डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन पेंट लिया है एंड एजेस को कुछ इस तरीके से पेंट कर लिया है। तो हमारे लीव्स हमने पेंट कर लिए हैं, अब इन्हें मैं कुछ इस तरीके से लेस के पीछे स्टिक कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू यूज़ किया है, आप अगर नॉर्मल फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी ग्लू से इसे स्टिक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसे हम डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मिरर्स लिए हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं एंड इन्हें कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टोन्स का यूज़ किया है एंड इसके बाद जो अपनी प्लास्टिक की बीड्स आती हैं, जो वाइट कलर की मोतियाँ होती हैं, उनसे मैंने यहाँ पे थोड़े से लटकन्स बना लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे ऊन के टैसल्स, थ्रेड के टैसल्स या फिर जो बेल्स आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में अपने इस तोरण को हैंग करने के लिए मैंने दोनों साइड में लेस की कुछ इस तरीके से हुप्स बना दिए हैं, सो दैट कि हम इसे कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकें। तो बस हमारा जो तोरण था वो रेडी है। मेरे अगले DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये MDF का बेस। ये आपको बहुत ही ईजिली आजकल क्राफ्ट स्टोर्स में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो उस पर मैंने जेसो अप्लाई करके उसे ड्राई कर लिया है एंड उसके बाद कंपास एंड पेंसिल की हेल्प से रैंडम यहाँ पे मैं सर्कल्स बना रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा 3D वर्क, तो उसके लिए मैंने चॉक पाउडर एंड फेविकॉल का पेस्ट बना लिया है। अगर आप नहीं चाहते हैं इतना झंझट करना तो आप सिंपली जो 3D लाइनर्स आती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर मोल्डेड क्ले से भी आप थोड़े से थिकनेस के साथ यहाँ पे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे।
तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसे करेंगे पेंट। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है एंड उससे मैंने इसे पेंट किया है। तो पहले मैंने येलो कलर लिया है, फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया है एंड जो बाहर का एरिया दिख रहा है आपको, जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं, उनको मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है। कलर कॉम्बिनेशंस, डिज़ाइंस, पैटर्न्स कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको इसे कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे पेंट करना है। तो मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ये सब हो जाने के बाद लास्ट में हम वाइट एक्रेलिक कलर से जो हमारा 3D आउटलाइन था उसे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। अब सब कुछ हो जाने के बाद हम इसे ड्राई होने देंगे एंड ड्राई होने के बाद थोड़ा सा हम करेंगे मिरर वर्क। तो मिरर्स को स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू, आप कोई भी ग्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे डॉट आर्ट। तो बस हमारा इजी सा टी लाइट होल्डर भी रेडी है। Isn't that amazing? खुशबू ऐसे ही यूनिक DIY आइडियाज हमेशा अपने चैनल में शेयर करती है एंड मैं तो कोई भी वीडियो उसका मिस नहीं करती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है होम डेकोर एंड DIY में तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी उनके चैनल को फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। उनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। तो खुशबू के बाद बारी है मेरी, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक DIY। तो सबसे पहला DIY के लिए मैं ये वुडन ट्रे यूज़ करूँगी एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी एक पेंटिंग किया गया है। यस, जब मैं नई नई ये घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास ये वुडन ट्रे था, मैंने इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन किए थे बट अभी मैं ये डिज़ाइन से बोर हो गई हूँ एंड क्योंकि ये फेस्टिव टाइम चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक मेकओवर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं वाइट एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर दे रही हूँ। बाय द वे ये जो वुडन ट्रे है मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। अभी बंजारा मार्केट क्या है कैसा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है बट वहाँ पे इस तरीके की वुडन चीज़ें बहुत इजीली एंड इनएक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा वाइट एक्रेलिक कलर अच्छे से सूख गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ये जो गणपति का मूर्ति है इसे हैंग करना है। ये मूर्ति जो रोड साइड में टेराकोटा की चीज़ें मिलते हैं मैं वहाँ से ली थी एंड मेरे को नॉन पेंटेड वाला मूर्ति चाहिए था बट मैंने बहुत ढूंढा एंड मेरे को कहीं नहीं मिला तो एंड में मैंने पेंटेड वाला ही लाया। मैं पहले सोच रही थी कि मैं ऐसे ही प्लेन वाला मूर्ति लूँगी एंड घर में पेंटिंग करूँगी बट सैडली मेरे को नहीं मिला तो मैं यही वाला लाई एंड इनके कलर कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छे भी लगे। तो यहाँ पे ट्रे में मैं छोटा सा एक कील ठोक रही हूँ ताकि ये जो गणपति है मैं अच्छे से हैंग कर पाऊँ। नेक्स्ट मैं इससे बेसिक से ये फिलामेंट डिकोपाज पेपर ऑर्डर्स की थी जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर इंडियन एंड मोरक्कन डिज़ाइंस हुए थे तो मैंने सोचा कि इसे ही यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मेरा जो डिज़ाइन है थोड़ा सा मेजरमेंट करके मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट ये जो डेको मैजिक होता है मतलब डेकोपाज के लिए जो ग्लू होता है ये भी अगर मैंने इसी बिटसी से ऑर्डर किया था इसे मैं यूज़ करूँगी ताकि जो पेपर है वो स्टिक हो जाए। बट उससे पहले मैंने जब पेपर प्लेस किया मैं देखी साइड में ना बॉर्डर्स दिख रहे हैं एंड ये वाइट कलर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। ब्लू कलर येलो कलर से ना पीछे से पेंट कर दूंगी ताकि जो बॉर्डर अगर वो दिख भी रहा है तो थोड़ा सा ब्राइट कलर से दिखे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं फिलामेंट पेपर को चिपका रही हूँ तो साइड में थोड़ा सा बॉर्डर दिख रहा है तो वाइट दिखता वो मज़ा नहीं आता इसलिए मैं यहाँ पे पहले से ही पेंट करती हूँ। एंड जैसे मैंने बताया था डेकोपाज का जो ग्लू होता है वही डेको मैजिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ।
एंड सिमिलरली मैंने रेड कलर भी यूज किया है एंड ऊपर में भी मैंने ये डिजाइन को स्टिक किया है। नेक्स्ट साइड के जो बॉर्डर्स थे उसे मैं येलो कलर से पेंट कर दूंगी। इन पेपर्स को अच्छे से सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर मैं एक कोट डेको मैजिक का लगा दूंगी। ये स्टेप मैंडेटरी है ताकि कभी भी ये पेपर फटे ना एंड आपका जो DIY है वो खराब ना हो। तो यहाँ पे मेरा पेपर स्टिक करना एंड पेंटिंग करना हो गया है। लास्टली मैंने जो गणपति का वो मूर्ति लाया था उन्हें हैंग करूंगी। एंड जब मैं हैंग कर रही थी मेरे को रियलाइज हुआ कि जो गणपति का हुक है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसे स्ट्रेट रखने के लिए मैं नीचे में भी एक छोटा सा खेल यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो देखिए ये एकदम से अच्छे से फिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसे वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं या एज अ शोपीस भी लगा सकते हैं। एंड फॉर द लास्ट एंड फाइनल DIY के लिए मैं कोई भी पेंटिंग टेक्निक नहीं रखी हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सबको इतने आर्ट लवर्स नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ओएसिस का ब्रिक यूज़ किया है। ओएसिस का ब्रिक आपको कोई भी फ्लावर शॉप में मिल जाएगा या फिर बुके वगैरह में इस तरीके के ब्रिक मिलते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी का फ्रेम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप कोई भी इस तरीके के रिंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये फ्रेम हिल रहा है आप कोई भी GI वायर से इसे अच्छे से रैप कर सकते हैं ताकि ये फिक्स होके रहे। नेक्स्ट मेरे पास इस तरीके के ग्लास प्लांटर्स थे जो मेरे को मेरे भैया ने गिफ्ट किया था। अगर आप मेरा बर्थडे गिफ्ट वाला वीडियो देखे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसे मैं एक धागे के हेल्प से इसे यहाँ पे टाई कर दूंगी। एंड ये ब्रिक ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा था तो मेरे पास एक सिरेमिक का फ्रूट बाउल था, उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बाउल से इसे हाइड कर सकते हैं ताकि ये जो ब्रिक है वो ना दिखे। इसे और थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए मैं दूसरे ब्रिक से आधा आधा टुकड़ा करके साइड के एजेस में भी फिल कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं रियल फ्लावर से इसमें सजाने वाली हूँ। यहाँ पे आप मेरीगोल्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली दिवाली वाइब क्रिएट करेगा, या फिर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे को जो डिज़ाइन चाहिए था उसके हिसाब से मेरे को कोई आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे रियल फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जो ग्लास प्लांटर है वो थोड़ा सा खाली लग रहा है। तो मेरे पास इस तरीके के टी लाइट कैंडल्स थे जो बैटरी ऑपरेटेड है एंड मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। फेस्टिव के टाइम में जब आप गेस्ट को इनवाइट करेंगे एंड डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर इसे सजाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। गाइज ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये फन कोलैब पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कोलैब वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।